हाय एवरीवन यार, दिस इज योर प्रेम भैया। वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। क्या आपको पता है इस दुनिया की ना छोटी से छोटी चीजों को हम अपनी सेंस ऑफ ऑर्गन्स की वजह से पहचान पाते हैं। जैसे देखो, हम अपनी नोज के थ्रू चीजों को स्मेल कर सकते हैं, हम अपनी ईयर्स के थ्रू साउंड को सुन सकते हैं, हम अपनी टंग के थ्रू चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, यमी यमी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, हम अपने स्किन के थ्रू अलग अलग टेम्परेचर वाली चीजें, कोई ठंडी चीज है कोई गर्म चीज है तो उसे अपनी स्किन के थ्रू हम फील कर सकते हैं। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट सेंस ऑर्गन है हमारा सेंस ऑफ साइट, देखने की क्षमता। हम अपनी आईज की वजह से ना यार इस दुनिया की ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल चीजों को देख पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, केवल आईज ही वो चीज नहीं है जिसकी वजह से हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। एक और चीज की जरूरत पड़ती है जो आपको नहीं पता है। आज हम इसी वीडियो में उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी नोटिफिकेशन ना फटाफट आप तक पहुंचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 16, लाइट। लाइट का मतलब आपको पता है, बहुत ही सिंपल, प्रकाश या उजाला, इस चीज को हम लाइट कहते हैं। अभी हमने जस्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा कि हम इस दुनिया की सुंदर से सुंदर चीजों को कैसे देख पाते हैं, अपनी सेंस ऑफ साइट की वजह से, अपनी आंखों की वजह से। अब आंखें ही केवल वो चीज नहीं है जिसकी वजह से हम इस दुनिया की अलग अलग चीजों को देख पाए, इसके लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है जिसके बिना हम इस दुनिया की किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे, वो है लाइट। भाई अगर उजाला ही ना हो, अगर लाइट ही ना हो तो हम अलग अलग चीजों को कैसे देख पाएंगे। तो आज इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे आईज और लाइट, ये दोनों मिलके हमें किसी चीज को देखने में मदद करते हैं। गॉट इट। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार है यार। इस चैप्टर की एक्टिविटीज को हमने एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके क्लास 8, 9, 10th तीनों की साइंस में ये चैप्टर है, तो चैप्टर पढ़ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, और बोर नहीं होगी ये मेरी गारंटी है। ओके, सो आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 16.1, व्हाट मेक थिंग्स विजिबल। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम इस दुनिया के अलग अलग चीजों को देख पाते हैं। चलो आज मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा इस टॉपिक में। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया के अलग अलग चीजें, बहुत ही सुंदर सुंदर चीजों को कैसे देख पाते हो। तुम कहोगे कि भैया मुझे भगवान ने आईज दी हैं, आंखें दी हैं, और इसलिए मैं इसकी वजह से अलग अलग चीजों को देख पाता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या तुम्हें अंधेरे में भी ये चीजें दिखाई देती हैं, तो तुम क्या कहोगे? नहीं भैया, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं होती। यही तो कहोगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारी आंखें अकेले किसी चीज को नहीं देख सकती हैं। हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं, इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई लाइट पड़ रही है और वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हम कहते हैं कि हाँ हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों में पड़ रहा है तो हो सकता है कि वो लाइट उस ऑब्जेक्ट का खुद का हो, मतलब हो सकता है वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट इमिट कर रहा हो, जैसे कि सन हो गया, आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट हो गई। अगर आप अंधेरे में भी देखोगे ना तो ये चीजें दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो लाइट निकल रही है ना। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट हो, या हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हो, कोई लाइट कहीं से आके पड़ रही हो और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जैसे देखो, आपको मैं इमेज से समझा देता हूं। ये टॉर्च देख पा रहे हो आप? इस टॉर्च की लाइट जब इस फुटबॉल पर पड़ रही है, अंधेरे में रखे हुए फुटबॉल पर पड़ रही है, तो हम तुरंत फुटबॉल को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्च से लाइट फुटबॉल पर आई, फुटबॉल ने लाइट रिफ्लेक्ट कर दी हमारी आंखों में, और इस वजह से हम अलग अलग चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, यू लर्न्ड इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा है कि जितनी भी पॉलिश्ड चीजें होती हैं, जितनी भी चिकनी चीजें होती हैं, या जितनी भी चमकदार चीजें होती हैं, वो मिरर का काम करती हैं, वो शीशे का काम करती हैं। अब शीशे का और लाइट का क्या कनेक्शन है? इस चैप्टर में हम मिरर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मिरर क्या होता है? मिरर अपने ऊपर
जो भी लाइट उसके ऊपर मिरर के ऊपर पड़ती है उसका डायरेक्शन वो चेंज कर देता है. अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. आप देख पा रहे हो ये एक शीशा रखा है, यहां पर एक लाइट आ रही है. ठीक है, लाइट आई तो इधर से लेकिन गई इधर से, मतलब क्या हुआ, शीशे ने, मिरर ने इस लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सर्फेस विल बी रिफ्लेक्टेड? क्या आप इतना बता सकते हो कि अगर लाइट किसी चिकने सर्फेस पर किसी मिरर पर टकरा जाती है तो वो किस डायरेक्शन में वापस जाएगी? हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आई है उसके अपोजिट चली जाएगी वो. गॉट इट? यहीं से हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 16.2, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब हमने ये देखा कि अगर किसी चिकनी चीज पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है. अब रिफ्लेक्शन में क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या नियम है कि जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, क्यों लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. लेकिन इसके पहले हम करेंगे एक बहुत ही मजेदार सी एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 16.1. इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेना है एक टेबल. जैसे मैंने एक टेबल ले लिया, आप देख पा रहे हो, टेबल पर आपको एक व्हाइट सीट ऑफ पेपर, एक सफेद चार्ट पेपर चिपका देना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टेक अ कॉम, एक कंघी लो. जैसे मैंने ले लिया कंघी को, कंघी की जितनी भी ओपनिंग्स हैं, मतलब अगल बगल से दोनों तरफ से आप इसे बंद कर दो, केवल बीच में खुला छोड़ो. You can use a strip of black paper for this purpose. आप बंद करने के लिए, इस कॉम्ब के ओपनिंग्स को बंद करने के लिए आप ब्लैक कागज का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने किया है. ठीक है, होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर. अब आपको क्या करना है, कंघी को जैसे मैंने पकड़ा है एकदम टेबल के परपेंडिकुलर, एकदम टेबल के खड़े खड़े बिल्कुल ऐसे ही पकड़ना है. उसके बाद क्या करना है, देखो जैसे मैंने टार्च से लाइट ले आया और इस लाइट को मैं इस कंघी के बीच में से, इस कॉम्ब के बीच में से निकाल रहा हूं. ठीक है, विथ स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च, जब अगर आप टॉर्च को इधर उधर करके देखोगे ना तो आप देखोगे कि दूसरी तरफ एक बीम ऑफ लाइट, एक रोशनी की किरण आ जा रही है, जैसे यहां पर आ रही है, देख पा रहे हो येल्लो कलर की. ठीक है, अब आपको क्या करना है, कीप द कॉम्ब एंड द टॉर्च स्टेडी. जैसे आपकी कंघी रखी गई है, जैसे टॉर्च रखा गया है, उसको वैसे ही रहने दो. उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक प्लेन मिरर ले लो, जैसे मैंने यहां पर ले लिया. आप जैसे ही प्लेन मिरर लेके आओगे ना, इस लाइट के रास्ते में आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तुम देख पा रहे हो भाई इस वीडियो में, इस एनिमेटेड वीडियो में, कि जैसे ही मिरर पर लाइट पड़ रही है, लाइट तुरंत वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है. आप यहां इस फिगर में भी देख सकते हो. ठीक है, तो ये थी हमारी एक्टिविटी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए. ठीक है, हाय, इफ यू आर इन क्लास 10th ना एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपको लाइव इस बैच में सॉल्व कराए जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट ना यार, अगर आप क्लास 10th के बाद जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं. नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, लिंक पर क्लिक करो. टुमारो फ्रॉम 28th ऑफ दिसंबर ये बैच स्टार्ट है, बैच को अटेंड करो एंड लास्ट इन ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फर्राटे से सॉल्व करो. बाय बाय. ओके, अब हमने इस एक्टिविटी में क्या पढ़ा, पहले ये देख लेते हैं कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, हमने देखा कि जैसे ही ये रे ऑफ लाइट मिरर से टकराती है, ये रे ऑफ लाइट जो इस कॉम्ब के बीच में से, इस कंघी के बीच में से आ रही है, जैसे ही ये मिरर से टकराती है तो हमने क्या देखा, ये अपना डायरेक्शन चेंज करके किसी और डायरेक्शन में चली जाती है. हमने यही तो देखा ना. अब आपके सामने दो लाइन बन गई है, एक लाइन जो इस शीशे से टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है, एक लाइन जो इस शीशे से, इस मिरर से स्ट्राइक करके वापस आ रही है, बैक आ रही है. इन दोनों लाइंस को हम क्या कहेंगे, ऐसी लाइट रे जो किसी सरफेस से स्ट्राइक करने वाली है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. जैसे देख रहे हो ये वाली रे, ये वाली रोशनी जाके मिरर पर स्ट्राइक करेगी, इसलिए इस रे को हमने एक नाम दिया है. क्या नाम दिया है, इंसिडेंट रे. ऐसी रे जो किसी सरफेस पे इंसिडेंट करने वाली हो, स्ट्राइक करने वाली हो, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. और जो ये दूसरी रे ऑफ लाइट है जो किसी सरफेस से इंसिडेंट करके, स्ट्राइक करके वापस आ रही है टकरा के,
ऐसी रे ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे का नाम देते हैं। समझ में आया इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। अब यहां पर नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ सिखाया गया है रे ऑफ लाइट के बारे में बताया है इसने। इस चैप्टर में बार बार रे ऑफ लाइट यूज करेंगे, तो पहले यह जान लो रे ऑफ लाइट होता क्या है। देखो रे ऑफ लाइट ज्यादा कुछ नहीं है, एक आइडियलाइजेशन है, मतलब लोगों ने बस एक नाम दे दिया है रे ऑफ लाइट। किस चीज को नाम दिया है, कोई पतली सी अगर लाइट की किरण है, अगर कोई पतली सी बीम ऑफ लाइट है ना, जो कि बहुत सारे अलग अलग रेस से मिलकर बनी हुई हो, जो कि बहुत सारे अलग अलग किरणों से मिलकर बनी हुई हो। हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे रेज हैं, वाई रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्फा रेज हैं, पता नहीं क्या गामा रेज हैं, ठीक है। तो अलग अलग रेस से एक पतली लाइट की लाइन बनती है, इसी लाइन को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अपने पढ़ाई को हम सिंपल बनाने के लिए हम इसी टर्म को रे ऑफ लाइट या नैरो बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब समझ में आया रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं। चलो अब यहां पर आपको करनी है कुछ कलाकारी। क्या करनी है भाई, ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, अभी जो इसके पहले हमने एक्टिविटी की थी, हमने टॉर्च लगाकर कॉम्ब के बीच में से लाइट पास कराया था, हमने फिर सीसा रखा था बीच में, हमने ये देखा था कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी को आपको एक प्लेन पेपर पर उतारना है। क्या करोगे आप, एक लाइन खींचो, एक लाइन ड्रॉ करो जो कि प्लेन मिरर को शो कर रहा हो। जैसे देखो ये वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन ये प्लेन मिरर को शो कर रही है, यहां पर मिरर का साइन भी इसने बना दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक इंसिडेंट रे बनानी है। इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जहां से लाइट आती है। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च यहां पर रखा गया है, ठीक है, लाइट अगर यहां से आ रही है तो इस लाइन को हम इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। और आपको रिफ्लेक्टेड रे भी बनाना है पेपर पर, इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेना, क्योंकि लाइट अगर यहां से आएगी तो शीशे से टकराने के बाद ये वापस भी तो जाएगी ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आप बना लेना। उसके बाद क्या करना है, रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब, जो हमने पिछली एक्टिविटी में शीशा और कंघी का यूज किया था उसे हटा लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसके बीच से जहां पर ये एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट रे है जहां पर टकराती है ना, वहीं से आप एक 90 डिग्री जो कि परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, परपेंडिकुलर लाइन बना दो। परपेंडिकुलर का मतलब यहां से एकदम सीधा लाइन बना दो 90 डिग्री का। देखो 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, गॉट इट। चलो अब उसके बाद आपको क्या करना है, दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एट द पॉइंट। अब देखो ये लाइन जो आपने बनाई है ना, इस लाइन को हम एक दूसरा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, नॉर्मल। इसे हम क्या कहेंगे, ये नॉर्मल लाइन है। किस चीज के नॉर्मल है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, ये जो शीशा है ना, इसके नॉर्मल पर ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन कहेंगे, गॉट इट। अब आपने इस फिगर को जैसे ही बनाया तो सीन कुछ ऐसा है कि आपका फिगर दिखने लगेगा बिल्कुल ऐसा, ठीक है। देखो यहां पर हमने बनाया है प्लेन मिरर, यहां पर हमने एक लाइन बनाई है जो इंसिडेंट रे को शो कर रही है, ऐसे रे ऑफ लाइट को शो कर रही है जो मिरर से टकराने वाली है, इंसिडेंट करने वाली है। वहीं पर हमने एक और लाइन बनाया है, इस लाइन को हमने नाम दिया है रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, क्योंकि ये उस रे ऑफ लाइट को दिखा रही है जो वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। हम रिफ्लेक्टेड रे जानते हैं क्या होता है, इंसिडेंट रे जानते हैं क्या होता है, और हम ये भी जानते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल वो लाइन होती है जो प्लेन मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधे बनाई गई हो। समझ में आया अब क्या होता है नॉर्मल लाइन। अब हमने जब इतनी चीजों को जान लिया है तो ये भी जान लो कि एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसा एंगल जो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में हो, कैसा एंगल, ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में हो, ऐसे एंगल को हम एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं। समझ में आया। अब देखो अब आपको यहां पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बता दिया, एक और एंगल है एंगल आर। ये क्या होता है भैया, देखो ऐसा एंगल जो नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हो, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो सिंपल, देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है एंगल आर, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल आर, गॉट इट। अब देखो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले प्रोटेक्टर लेके इस एंगल को मेजर करो कि कितनी डिग्री का ये एंगल है, फिर प्रोटेक्टर लेके इस एंगल को मेजर करो, आप देखोगे कि जितनी डिग्री का एंगल आई है
उतनी ही डिग्री का एंगल आर है। इसका मतलब क्या होता है, जिस एंगल से लाइट आई है लाइट उसी एंगल से दोबारा वापस जाएगी, एंगल चेंज नहीं होगा। समझ गए? अब आपको इस एक्टिविटी को दोबारा करना है, मतलब अलग अलग इंसिडेंट रे का एंगल चेंज करके देखो कि रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम टू सेम आता है या नहीं आता। उसके बेस पर आपको ये जो ऊपर टेबल दिया गया है ये टेबल भरना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया 45 डिग्री, तो हम देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा ऑलमोस्ट 45 डिग्री है, क्योंकि सिंपल सा रूल है कि लाइट जिस एंगल से आती है उसी एंगल से जाती है। हमने दूसरी बार 30 डिग्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, तो हम देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 30 डिग्री का होगा। जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे उतनी ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई और एंगल आर में कोई रिलेशन देख पा रहे हो? हां भैया, हमने ये देखा कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट केयरफुली, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को, अगर हम इस एक्टिविटी को बहुत ही ध्यान से करेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम एंगल आई कहते हैं वो हमेशा इक्वल होगा किस एंगल के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जिसे हम एंगल आर का नाम देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि लाइट जिस एंगल से आती है लाइट उसी एंगल से वापस जाती है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हमसे यहां पर टकलू बूझो कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि भैया इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल तो होगा क्या? ये कह रहा है कि भैया अगर कोई प्लेन मिरर है, अगर कोई प्लेन शीशा है और इस शीशे पर अगर मैंने नॉर्मल लाइन खींच दी, नॉर्मल लाइन हमेशा प्लेन मिरर के 90 डिग्री पर होती है, सीधे सीधे होती है, इसे याद रखना। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि भैया अगर मैं नॉर्मल लाइन के ऊपर पर कोई टॉर्च से लाइट को, लाइट की रे को इस शीशे पर फॉल करवाता हूं तो ये रे ऑफ लाइट मेरी किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी? सिंपल सी बात है, अगर रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर आएगी तो ये जाएगी भी तो 90 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब जिस एंगल से लाइट जाएगी उसी एंगल से लाइट वापस आएगी। समझ में आया? ओके, अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 16.2। इस एक्टिविटी को करने के लिए ना आपको दोबारा एक्टिविटी नंबर 16.1 करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो पिछली वाली एक्टिविटी में हमने एक सफेद पेपर को टेबल पर रख दिया था या चिपका दिया था, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको चार्ट पेपर लेना है। ऐसा पेपर लेना है जो थोड़ा सा कड़ा हो, जो थोड़ा सा हार्ड हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लेट द शीट, ये जो व्हाइट पेपर, ये जो व्हाइट चार्ट पेपर आपने लिया है इसको थोड़ा सा टेबल से बाहर निकाल दो। जैसे आप देख पा रहे हो पहली फिगर में टेबल यहीं पर खत्म हो चुका है, लेकिन पेपर को इसने थोड़ा सा और बाहर निकाला हुआ है। इस बाहर निकले हुए हिस्से को हम प्रोजेक्टिंग पोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द सीट इन द मिडिल। सेकेंड फिगर में आप देख पा रहे हो जैसे बीच से इसने पेपर को काटा है वैसे ही आप भी काट दो, लेकिन ध्यान रहे कि जो प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ पेपर है, जो टेबल से बाहर निकला हुआ पेपर का हिस्सा है ना, वहां पर भी रिफ्लेक्शन आ रही हो, इस बात का ध्यान रखना। अगर नहीं आ रही है तो टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करके देख लो, वहां पर भी रिफ्लेक्शन आने लगेगी। जब रिफ्लेक्शन आने लगे तभी इस एक्टिविटी को करना। जैसे फिगर नंबर 1 में रिफ्लेक्शन जितना कागज बाहर निकला हुआ है वहां पर भी तो आ रही है ना, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। अब क्या करना है, बेंड द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स। अब सेकंड फिगर में आप देखो, सेकंड फिगर में आप देख पा रहे हो जिस प्लेन पर, जिस कागज पर रिफ्लेक्शन आ रही है हमने उसको काट दिया है, और अगर हम इसको बेंड कर देंगे, मोड़ देंगे, तो क्या अब भी आप रिफ्लेक्टेड रे को देख पा रहे हो? हां बिल्कुल देख पा रहा हूं, बस थोड़ी सी छोटी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा हुआ, क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल लाइन होती है, वो तीनों
एक ही प्लेन पर लाई करती है, मतलब एक ही प्लेन पर होना चाहिए। जैसे देखो इस फिगर से मैं आपको समझा देता हूं, ये जो अभी ये चार्ट पेपर है ये पूरा एक पेपर है, ठीक है, गॉट इट। लेकिन जैसे ही हमने इसको कट किया, एक पेपर ये हो गया, एक पेपर ये हो गया। यहां पर रूल हमारा ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का मतलब ये जो लाइट आ रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है मतलब ये जो लाइट जा रही है, और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये वो तीनों एक ही प्लेन पर होना चाहिए, यही हमारा रूल कहता है, ठीक है। जब हमने इस कागज को काट दिया, ठीक है, तो ये एक प्लेन तो रह नहीं गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, इसलिए यहां पर रिफ्लेक्शन आगे नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम में आता है कि जितनी भी इंसिडेंट रे है, मतलब जिस एंगल से लाइट आ रही है, और जो नॉर्मल लाइन है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती है, एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। इसी को हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। गॉट इट, समझ में आया? अब देखो, पहली और बूझो ने इस एक्टिविटी को क्या किया है, सनलाइट में किया है, विद द सन किया है। जैसे देखो हमने इस एक्टिविटी को टॉर्च से किया है, ऐसे ही पहली और बूझो ने टॉर्च की जगह सूरज की लाइट को, सन की लाइट को यूज किया है। फिर कंघी से, कॉम्ब के बीच से इसने लाइट पास कराई है, शीशा रखा है, देखा है रिफ्लेक्शन कहां जा रहा है। मतलब सेम एक्टिविटी को पहली और बूझो ने सनलाइट में किया है। हमने टॉर्च की लाइट ली है, उन्होंने सन की लाइट ले ली है, ठीक है। आप भी चाहो तो आप भी सन की लाइट से इस एक्टिविटी को कर सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है। चलो आगे चलते हैं। बूझो रिमेंबर दैट इन क्लास सेवेंथ ही हैड स्टडीड सम फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। अब देखो, बूझो ने क्लास सेवेंथ में यह पढ़ा है कि जितनी भी प्लेन मिरर होती है, जितनी भी शीशे होते हैं हमारे घर में, उसमें जो भी इमेज बनती है, जो आप रिफ्लेक्शन देख पाते हो, आप अगर शीशे के सामने खड़े हो तो आप खुद को देख पाओगे, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा इमेज बनता है शीशे के अंदर, उसके बारे में यहां पर पहली ने कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस हमसे कुछ कंफर्म करना चाहता है। क्या पढ़ा है पहली ने? पहली ने यह पढ़ा है कि क्या जो प्लेन मिरर पर इमेज बनती है वो सीधी बनती है, और अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक बनती है। बिल्कुल सही। हम अगर प्लेन मिरर के एकदम सामने खड़े हो जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा जो इमेज है वो एकदम सीधा बना है, और एकदम अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब सर ऊपर है और पैर नीचे है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है, ठीक है। दूसरा, वॉज इट ऑफ द सेम साइज। यहां पर बूझो हमसे कह रहा है कि जो प्लेन मिरर पर इमेज बनती है, जो प्लेन मिरर पर हमारी पिक्चर दिखाई देती है शीशे पर ना, वो सेम साइज की होती है जो साइज हमारी होती है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का प्लेन मिरर पर इमेज बनेगा, सेम टू सेम। तीसरा क्या देखा है बूझो ने, पहली ने? तीसरा यह देखा है कि जितना भी इमेज प्लेन मिरर पर फॉर्म होता है वो उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर हम और मिरर के बीच में दूरी है। गॉट इट। जैसे देखो यहां पर कोई शीशा है और यहां पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। अगर वो शीशे में देख रहा है, उसके बीच में इतनी दूरी है, तो उसका इमेज भी दूसरी तरफ इतनी ही दूरी पर बनेगा। समझ में आया? चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि कुड इट बी ऑप्टेंड ऑन ए स्क्रीन। ये कह रहा है कि क्या ये जो दूसरी इमेज बन रही है शीशे के पीछे, क्या ये स्क्रीन पर हम ला सकते हैं? क्या हम इसे सचमुच में ला सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसी इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं, ऐसा हमने क्लास सेवेंथ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। गॉट इट। तो हमें इस एक्टिविटी से यह पता चला भाई कि जितनी भी इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल लाइन होती है, और रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करती है। मेन चीज यही है, इसे याद रखना। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा कि प्लेन मिरर पर जो भी इमेज फॉर्म होती है वो इमेज इरेक्ट होती है, अपसाइड डाउन होती है, मतलब एकदम सीधे खड़ी हुई होती है। हमने ये भी देखा जो प्लेन मिरर पर इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज की होती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये शीशा है और हम यहां पर शीशे के सामने खड़े हैं, ठीक है। तो जितनी साइज हमारी है शीशे के पीछे, उतनी ही साइज की हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तीसरा ये कह रहा है कि प्लेन मिरर पर हमारी जितनी दूरी है, फॉर एग्जाम्पल हम प्लेन मिरर और हमारे बीच में 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो जो इमेज बनेगा ना वो भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस पर होगा, ये जो मिरर पर इमेज बनेगा वो उतनी ही डिस्टेंस पर होगा जितनी डिस्टेंस पर इसके ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। अब चौथा आपसे ये कह रहा है कि क्या ये जो इमेज है, ये जो शीशे के अंदर वाली इमेज है, क्या ये सचमुच में हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं? नहीं, ये जो इमेज होती है ये वर्चुअल इमेज होती है, शीशे के पीछे वाली इमेज होती है, इसलिए हम इसे स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, हम केवल खुद को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। गॉट इट? लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाई अ प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वे। आपको यहां पर आगे एक और एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को हम करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट पढ़ने में मजा आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।